नमस्कार, साक्षी न्यूज थर्टी और आप सभी का स्वागत है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुलाया तो कांग्रेस को गुस्सा आया। कोई एजेंसी किसी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह पेश होकर अपना पक्ष रखे और सवालों के जवाब दे। यदि उस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मगर यह कहाँ की बात हुई कि पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर देश में बवाल मचा दो। पूछताछ किसी राजनीतिक मामले में नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध मामले में हो रही है तो इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है? देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वह दर्शा रही हैं कि कांग्रेस नेताओं और उसके कार्यकर्ताओं का लोकतंत्र और संविधान में विश्वास ही नहीं है। क्योंकि कहीं सड़कों पर गाड़ी फूंकी जा रही है, कहीं ट्रेनें रोकी जा रही हैं, तो कहीं बीच सड़क पर जाम लगाकर वाहनों की आवाजाही बाधित की जा रही है। सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी से पहले उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रही हैं कि मैं किसी से नहीं डरती। जरा आप भी देखिए यह वीडियो। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। तो ना तो सोनिया गांधी किसी से डरती हैं, ना ही उनके नेता और कार्यकर्ता। देखिए कैसे दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित किया गया। NSUI कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के RML अस्पताल के पास भी विरोध प्रदर्शन किया। मध्य दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जहां उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर कई मार्गों में परिवर्तन करने के कारण मध्य दिल्ली और उसके आसपास यातायात प्रभावित हुआ है। अब जरा असम से आई इस वीडियो को देखिए। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए गुवाहाटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब जरा कर्नाटक चलिए। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में ईडी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद उनमें से कई को हिरासत में लिया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता
गांधी परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए नागपुर शहर के सेमिनरी हिल्स इलाके में ईडी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने ईडी कार्यालय में घुसने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई ने शिमला में ईडी के उपमंडलीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ऐसी ही तस्वीरें देशभर के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं जो दर्शा रही हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जबकि होना यह चाहिए था कि यदि आपको आपत्ति है, आपकी कोई शिकायत है तो आप प्रशासन को लिखित में वो दें। लेकिन इसके बजाय उग्र प्रदर्शन सड़कों पर किया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया। एक जाँच एजेंसी जो अपना काम कर रही है उस पर एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।